नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। यह है जवान तेज बहादुर, किसी राजनीतिक स्टंट के लिए नहीं बल्कि परिवार पालने के लिए कर रहे हैं खेती। पल पल रेवाड़ी से महेंद्र भारती की विशेष रिपोर्ट। जी हाँ, ये जवान तेज बहादुर है जो कि किसी राजनीतिक स्टंट के लिए नहीं बल्कि खुद किसान का बेटा होने का फर्ज निभा रहा है। आपको बता दें कि यह वही बीएसएफ जवान तेज बहादुर है जिसने सेना में खराब खाने को लेकर के आवाज़ उठाई थी। तेज बहादुर का कहना है कि 2014 में जब मोदी जी सत्ता में आए तो उन्होंने भ्रष्टाचार मिटाने की बात कही। इससे प्रभावित होकर के मैंने सेना में पनप रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, लेकिन मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने की सज़ा मुझे नौकरी से बर्खास्त करके दी। अब बच्चे पालने के लिए मैं अपनी ज़मीन पर खेती कर रहा हूँ। कुछ लोग मतदाताओं को लुभाने के लिए खेतों में जाकर के फसल कटाई का ड्रामा रच रहे हैं, लेकिन वह एक किसान का बेटा है और वो अपना फर्ज पूरा कर रहा है। उनका कहना है कि वे दिखावे के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार का पेट पालने के लिए खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ पार्टियाँ मेरे स्पॉट में आ रही हैं, वही आप पार्टी भी मदद का आश्वासन दे रही है। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ कि अगर वह सेना का सम्मान करते हैं, सैनिकों का सम्मान करते हैं, तो वो छोड़ दे वाराणसी की सीट। उन्होंने फेसबुक पर अपने लोगों को मदद करने के लिए तथा चुनाव खर्च के लिए फंड जुटाने के लिए अपना अकाउंट नंबर भी दिया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी मदद कर सकें और पैसा फंड के रूप में उनके अकाउंट में डाल सकें। इससे वे चुनाव लड़ेंगे। अगर बड़े शब्दों में कहें तो वो मोदी के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं। अब ये देखना होगा कि उनकी ये मुहिम उन्हें कहाँ तक लेकर के जाती है। आप देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। बहादुर जी, क्या कहेंगे आज आप लावनी कर रहे हैं? अभी तो आपने चुनाव का ऐलान किया है। जय हिंद। देखो जी, किसान आदमी है, ये तो हमारा रोजी रोटी यही है। नौकरी जाने के बाद अब खेती बाड़ी कर रहा हूँ और अभी कल तक ये मेरा पूरा काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी पैसे की जरूरत है। सरसों वगैरह बिक्री करके नॉमिनेशन के लिए भी पैसा चाहिए, तो कल तक काम खत्म हो जाएगा और उसके लिए फिर मैं जा रहा हूँ बनारस। 7 तारीख तक हम बनारस पहुँच जाएंगे। मैं तो किसान का ही बेटा हूँ। मैं तो खेती, नौकरी जाने के बाद से अपनी खेती ही कर रहा हूँ। जब से मुझे नौकरी से निकाला गया है तब से मेरा जो घर परिवार जो चल रहा है इसी खेती पे चल रहा है। 2.5 एकड़ मेरे पास अपनी जमीन है, 1.25 एकड़ में मेरा गेहूं है, 1.25 एकड़ में सरसों है, तो वो काम तो मैं ही करूँगा, क्योंकि मेरे पास और तो कोई साधन है नहीं। इसी के भरोसे मेरे बीवी बच्चे पल रहे हैं। वो तो सारा देश जानता है कि क्या है, सब ने देखा और उनका क्या हुआ है। वो तो जैसा दिखा रहे हैं, उनकी मर्जी है जैसा उचित समझो, लेकिन हम तो किसान के बेटे हैं, सभी जानते हैं, सबको पता है। हाँ, अभी मैंने संपर्क किया था आम आदमी पार्टी से, उन्होंने कहा है कि हम आप लोग के साथ हैं बिल्कुल, सहयोग करेंगे जिस भी तरीके से हो सकता है, हम पूरा सहयोग करेंगे आपके साथ। और दूसरी पार्टियों से भी हमारी बातें चल रही है। हमारी कोशिश है कि सभी से जो सहयोग मिले। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि अभी सभी पार्टियों को मैंने ये भी कहा है, अगर वाक्य में ही आप सेना का जो सम्मान करेगा वो हमारे साथ आएगा, जो हमारे साथ नहीं आ रहा इसका मतलब वो दिखावा कर रहा है, वो सेना का सम्मान नहीं करेगा। मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी गुजारिश करूंगा कि आप कहते हो कि मैं सेना का सम्मान करता हूं, अगर दी वाकई में ही 1% भी अगर दी सेना का सम्मान करते हैं तो वो भी हमें आशीर्वाद दें और बनारस से सीट को छोड़ दें। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर पार्टियां जो है आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हम आपके साथ हैं, हम आपका सहयोग करेंगे। बाकी हूँ मैं आज़ाद उम्मीदवार ही, और बाकी पार्टियों से भी बातचीत चल रही है। और बाकी अगर दी वो समझते हैं कि भाई जवान है सेना का और वाकई में सेना बल का सेना का मनोबल बढ़ाना चाहते हैं तो वो सहयोग करेंगे, बाकी उनकी मर्जी। बाकी पार्टी कोई सहयोग करेगी लेकिन लड़ेंगे निर्दलीय? हाँ जी, निर्दलीय लड़ेंगे। तो फंड के लिए अभी क्या कुछ व्यवस्था बन पाई है? फंड के लिए तो मैं सभी देशवासियों से गुजारिश किया है कि मुझे ज्यादा नहीं, 1-1 रुपया भी अगर देशवासी देंगे मुझे तो मुझे फंड का कोई समस्या नहीं है। अभी आपने वर्ष मैसेज भी छोड़ा हुआ है फेसबुक पे? हाँ, वो मैसेज जो अकाउंट छोड़ा हुआ है वो मेरा ही है, अपना अकाउंट नंबर है, वो हमारा सेविंग अकाउंट है, क्योंकि जो क्राउडिंग फंड के लिए वो बनारस में अकाउंट खुलेगा। क्या अपील की गई लोगों से फंड के लिए? तो यही कही गई है कि भाई मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और आप जो सहयोग कर सकते हैं, किसी प्रकार जो भी किसी तरीके से जो सहयोग करना चाहे वो करें।